दोस्तों, आप भी अगर हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या ने जो किया वो जानबूझकर किया या फिर उनसे गलती से हुआ। हमें कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि आईपीएल खत्म होने के बाद कुणाल पांड्या भारत लौट रहे थे और हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। कुणाल पांड्या भारत लौट रहे थे तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक कर उनसे पूरी पूछताछ की गई। उन्हें अरेस्ट कर पूरी रात अपने साथ बैठाया गया और उनसे कुछ चीज़ें बरामद हुई जो कि भारत में बिना कस्टम विभाग की इजाज़त या बिना कागजात के टेस्ट दिए हुए उन्हें भारत में लाना अलाउड नहीं था। लेकिन वो भारत में बिना कागजातों के और बिना टैक्स दिए उन चीज़ों को चोरी छुपे लेके आ रहे थे और उन्हें वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया और रात भर पूछताछ के बाद उन्हें वहाँ से छोड़ दिया गया। लेकिन उनके पास से जो सामान मिला वो कस्टम विभाग ने अपने पास रख लिया और अब कस्टम विभाग ने एक नया खुलासा किया है। कस्टम विभाग ने खुलासा किया कि जो भी सामान थे उसमें ज़्यादातर फीमेल की घड़ियाँ और फीमेल के सोने चांदी के सामान थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या वो अपनी वाइफ के लिए ये सारी चीज़ें लेके जा रहे थे। हो सकता है कि हार्दिक पांड्या की वाइफ के लिए भी इसमें कुछ चीज़ें हों। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की बीवी नताशा हैं जो कि मॉडल हैं और वहीं कुणाल पांड्या की बीवी पंखुरी शर्मा हैं जो कि एक मॉडल रह चुकी हैं। दोनों के ही महंगे महंगे शौक हैं, ना सिर्फ वाइफों के बल्कि दोनों पांड्या ब्रदर्स भी काफ़ी महंगे शौक पालते हैं। इसी कारण उन्हें महंगे शौक भारी पड़ गए और अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कस्टम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जो भी सामान उनकी तरफ से मिला है उसमें ज़्यादातर फीमेल के सामान हैं, चाहे वो सोना चांदी हो चाहे फीमेल की घड़ियां हो, मोस्टली सामान फीमेल के हैं। इससे सब लोग अब ये अंदेशा लगा रहे हैं कि दोनों की बीवियों के चक्कर में हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुणाल पांड्या से तो लंबी पूछताछ हुई, वहीं हार्दिक पांड्या के बारे में भी लोग बाग बुरा बुरा कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, कुणाल पांड्या ने जो किया वो गलती से किया या फिर जानबूझकर किया? हमें कमेंट बॉक्स में भी राय देना ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि हार्दिक पांड्या का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।